जय भीम साथियों, आज हम लोग हैं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में और आज यहाँ भीम आर्मी कैडर कैंप है। मैं आपको भीम आर्मी की ताकत से अवगत कराता हूँ। मैं बिना बताए लाइव आया, लेकिन बाद में आप मुझे सुनेंगे इसे ज़रूर। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस कितनी बड़ी ताकत का निर्माण पूरे देश में किया जा रहा है, जो बहुजन अधिकारों के लिए, बहुजन समाज की सुरक्षा के लिए, बहुजन समाज को नया आयाम देने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और कितना समर्पण है भीम आर्मी के माध्यम से। आप सब लोगों को आज जानकारी होगी। तो मैं जो लोग आज हरिद्वार में हूँ, हरिद्वार जिले की टीम से बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो भीम आर्मी के माध्यम से आजीवन अविवाहित रह के समाज की इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। मैं उन लोगों का परिचय आप लोगों से कराऊंगा। आप देखें, पूरी तैयारी से हम बाबा साहब और साहब काशीराम के सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि भीम आर्मी के माध्यम से सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और विपक्षी जो विरोधी है, कितनी भी ताकत लगा लें, अब भीम आर्मी रुकने वाली नहीं है। पूरे देश में भीम आर्मी की ये जो क्रांति है, बाबा साहब का जो सपना है, नीली जो क्रांति है, ये आके रहेगी। तो अब अगला परिचय जो होगा उन साथियों का जो भीम आर्मी के माध्यम से आजीवन अविवाहित रह के बहुजन समाज की इस मूवमेंट को, बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए, बहुजन समाज के हक अधिकार को दिलाने के लिए, उनके ऊपर हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए काम करेंगे। तो अगला परिचय उन्हीं लोगों का होगा। जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट प्रबोध महाजन है। अच्छा। और जो मैं अपना पूरा जीवन बाबा साहब का जो मिशन है और माननीय काशीराम साहब का जो मिशन है उसमें लगाना चाहूँगा। और बाबा साहब ने अपने चाचा बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी बीवी कुर्बान कर दी हम लोगों को अपने हक और अधिकार दिलाने के लिए हमारे। तो मैं अपना जीवन पूरा भीम आर्मी के लिए समर्पण करना चाहता हूँ। जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेश कुमार है और मैं भीम आर्मी के अंदर जो हमारे महापुरुष काशीराम जी है उनकी तरह उनके दिशा निर्देश पर चलते हुए आजीवन अपना बिना विवाह कराए भीम आर्मी के अंदर कार्य करने के लिए इच्छापूर्ण हूँ। और किसी भी आप किसी दबाव में तो नहीं है? नहीं सर, मैं किसी के भी दबाव में नहीं, अपने इच्छानुसार अपने परिवार से सहमति लेके इस भीम आर्मी के अंदर में जीवन भर अविवाहित रहकर कार्य करते हैं। भीम आर्मी की चारधारा का समर्थन करते हैं आप? जी सर, मैं भीम आर्मी की जितनी भी चारधारा है सबका समर्थन करता हूँ। जय भीम। और कौन साथी थे? मैं समाज के प्रति बाबा साहब को मानने वाला और गौतम मुंशी को मानने वाला हूँ। मैं समाज के प्रति अपनी शादी तक भी नहीं करूँगा। अच्छा, शुक्रिया। और कौन है? क्या नाम है आपका? अंकुल कुमार। अच्छा अंकुल, आप क्या कहना चाहते हैं? समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो आप समाज के लिए आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेते हैं? जी सर। आप पे कोई दबाव तो नहीं है? आप भीम आर्मी की जो बहुजन विचारधारा से सहमत है? और कौन साथी है जो? क्या नाम है आपका? तेज बोल दीजिए थोड़ा सा। तो आप भीम आर्मी के माध्यम से ये जो बहुजन मूवमेंट चल रही है इसके लिए क्या आजीवन विवाहित रहने के लिए तैयार हैं? आपका क्या नाम है? रोहित चमार। आप रोहित, आप क्या कहना चाहते हैं रोहित भाई, जरा तेज आवाज में कहें। और कोई है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन लाल है। मैं भीम आर्मी के लिए आजीवन काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने बच्चों को भी भीम आर्मी के लिए तैयार करूँगा मैं काम करने के लिए। जय भीम। और कोई है? खड़े हो जाओ। जय भीम। जय भीम आर्मी। मैं अंकित गौतम पनियाला गांव चंदापुर से हूँ, जिला हरिद्वार में जो गांव पड़ता है लड़की के पास। और मैं सच्चे दिल से बाबा साहब का अनुयायी हूँ और माननीय साहब काशीराम का अनुयायी हूँ और मैं
आज बड़े भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जो हमारे सामने खड़े हुए हैं, आज हरिद्वार में जो कैडर का जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, और मेरा ये मानना है कि मैं जब तक सांस में सांस रहेगी बाबा साहब काशीराम की विचारधारा को अपने दिमाग में फॉलो करूंगा, माननीय साहब काशीराम की विचारधारा को अपने दिमाग में फॉलो करूंगा, और जब तक मैं जीऊंगा जैसे चंद्रशेखर भाई ने भी बोला कि शादी की नहीं करानी, नहीं कराएंगे, अभी मम्मी से राय नहीं ली मैंने, क्योंकि मेरी मम्मी है, मदर रहती है उन, बाकी अपनी तरफ से मैं जो चंद्रशेखर भाई ने कहा मैं तैयार हूँ। जय भीम, जय भीमानवी, जय माननीय साहब काशीराम। और कोई है ऐसा साथी जो बहुजन समाज की इस मूवमेंट के लिए, भीम आर्मी के लिए आज अविवाहित रहने के लिए तैयार हो, साहब की मूवमेंट को चलाने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो? हमारे साथ हैं भीम आर्मी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष छोटे भाई महक सिंह जी, मैं उनके विचार भी जानना चाहूंगा। महक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? पूरी पूरा पूरा देश आप, पूरी दुनिया आपको देख रही है महक भाई, इसे छोड़ दीजिए। जय भीम। और मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से एक संकल्प लेना चाहता हूँ, पहले भी मैं इस बात पर चर्चा कर चुका हूँ आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से, और मैं एक पत्र के माध्यम से आज ये घोषणा करता हूँ यहाँ पर, समाज के लिए समर्पित हूँ, कि आज दिनांक 30/11/2018 को अपने पूरे होश हवास में यह घोषणा करता हूँ कि मैं पूरा जीवन अविवाहित रहकर समाज सेवा करूंगा तथा भीम आर्मी भारत एकता मिशन में कार्यरत रहूंगा, कार्य करूंगा तथा समाज और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अपना घर परिवार आज दिनांक 30/11/2018 से त्याग करता हूं। मेरा समाज ही मेरा परिवार है, अतः मेरे हिस्से में जितनी भी धन संपत्ति आती है, मेरे घर वालों से निवेदन है कि मेरे मरने के बाद मेरे हिस्से की संपत्ति समाज के गरीब बच्चों में दे दी जाए। जय भीम। ये पत्र आप लोग देख सकते हैं, ये पत्र भीम आर्मी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष छोटे भाई महक सिंह जी ने दिया है। अब इसका समर्थन कि ये पत्र स्वीकार होगा या नहीं होगा, ये भीम आर्मी प्रमुख की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमें जो फैसले लेने समाज हित में लेने, तो मगर मुझे अच्छा लगा और आप लोगों को भी सुन के अच्छा लगेगा कि भीम आर्मी के माध्यम से कितने लोग आजीवन अविवाहित रह के एक सुख छोड़ के समाज की इस मूवमेंट को चलाने के लिए संघर्षशील हैं और त्याग करने के लिए संघर्षशील है। ऐसे लोगों के से ही मूवमेंट चलती है। मुझे पूरा भरोसा है कि भीम आर्मी के माध्यम से आने वाले समय में बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने की जो कार्य, जो रास्ता हम लोग लेके चले हैं, बहुजन महापुरुष की विचारधारा जो बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं, साहब काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन हम जो लोग लेके चले हैं, मुझे लगता है कि वो सपना बाबा साहब ने जो कहा था कि 21वीं सदी हमारी है, बहुत जल्द पूरा होगा। ऐसे ही मैं आप पूरे देशवासियों के लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए, पूरे दुनियावासियों के लिए, जो बहुजन समाज के लोग जहाँ भी रहते हैं, मंगल कामनाएं करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथी इस तरह से ही संघर्ष करते रहेंगे और आने वाला जो कल है भारत का, वो प्रबुद्ध भारत बनेगा। बाबा साहब का सपना पूरा होगा, भारत बोध में होगा। जय भीम, जय भीम आर्मी। जिन लोगों ने आज ये समर्थन वो किया, उनके लिए भीम आर्मी की प्रमुख होने के नाते जिस दिन मैं आदेश करूंगा, उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाएंगे। मगर मुझे अच्छा लगा कि ऐसे भी लोग हैं जो समाज के लिए अपना सब कुछ त्याग निछावर करने का काम कर रहे हैं। जय भीम, जय भीम आर्मी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।